Hello and welcome, dear students. Today we are going to discuss the difference between core maths and allied maths. This year CBSE introduced applied mathematics for class 11th and 12th students. ये academic level की तरह काम करेगा. देखो, चलो discuss कर लेते हैं हम कि ये applied maths किन students के लिए है and इसके अंदर क्या. सबसे मेन चीज, दिस इज मेनली फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स, बेसिक स्टूडेंट्स जिन्होंने 10th क्लास में मैथ्स का बेसिक वर्जन ऑप्ट किया था. उसका मतलब ये था कि वो बच्चे 11th 12th में कोर मैथ्स नहीं पढ़ना चाहते हैं, आगे साइंस स्ट्रीम नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं विद नॉन मेडिकल साइड या फिर विद इंजीनियरिंग साइड. उन बच्चों ने अगर मेडिकल लेनी है या फिर कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी बिना मैथ्स, तो उन्होंने 10th क्लास में बेसिक मैथ्स चूज किया था. अब सीबीएसई को लगा कि जिन बच्चों ने 10th में बेसिक ले लिया वो आगे मैथ्स नहीं पढ़ सकते, लेकिन आगे बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिनके अंदर मैथ की जरूरत पड़ती है. तो सीबीएसई ने इस चीज का सॉल्यूशन निकाला अप्लाइड मैथ्स नाम के सब्जेक्ट को अलग से इंट्रोड्यूस करके. देखिए, इस मैथ्स में क्या क्या होगा आइए हम डिस्कस कर लेते हैं. देखो, कॉमर्स और आर्ट्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपको मैथ्स की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे आपको मैथ्स की जरूरत पड़ती है. वो चीज़ें क्या क्या हैं, जैसे स्टेटिस्टिक्स है आपकी या फिर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है जहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ये सब चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं. उन सब चीज़ों को डील करने के लिए सीबीएसई ने मोटा मोटी तौर पर एक अलग सब्जेक्ट निकाला है जो कि नॉर्मल कोर मैथ से बहुत अलग होगा, बहुत ईजी होगा एंड उसका सिलेबस थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड पे ज़्यादा है. प्रैक्टिकल बोले तो कि आपकी डेली लाइफ की चीज़ों को डिस्कस करेगा, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, इंटरेस्ट वगैरह, या फिर आपके जो फाइनेंस में कूपन रेट्स होते हैं, बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, उन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए सीबीएसई ने ऐसा कदम उठाया है. ऑल्दो अभी तक बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस टाइप के सब्जेक्ट को चूज़ करने की अपनी डिमांड करी है एंड ऐसे बहुत कम स्कूल्स हैं, रेयरली ही कोई स्कूल्स मिलेंगे जिन्होंने अप्लाइड मैथ्स के इलेक्टिव को अपने स्कूल में प्रमोट किया है या फिर एक्टिवेट किया है. क्योंकि अप्लाइड मैथ्स एक बेसिकली आप बोलोगे तो कोर मैथ्स का सबसेट टाइप है, लेकिन उसके अंदर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़े से अलग हैं, जो कोर मैथ्स में नहीं है. जो टॉपिक है वो टॉपिक कोर मैथ्स के कंपेरिजन में बहुत ही हैं, उनका 10-15% ही कवर किया गया है, बेसिक चीजें ही डील करी गई हैं. और जो टॉपिक कोर मैथ्स में नहीं है वो टॉपिक बहुत इजी है, आप ऑलरेडी उनको 7th 8th या 5th 6th छोटी क्लास में उनका ब्रीफ कर चुके हो, बस उसका थोड़ा एडवांस लेवल पे वो आगे आएगा जो आपको आगे आने वाली इकोनॉमिक्स में या फाइनेंस में या कॉमर्स और अलग फील्ड्स में, स्टेटिस्टिक्स में काम आएगा. तो ये है कोर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स में डिफरेंस. बेनिफिशियल रहेगा खाली बेसिक मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए. ऑल्दो जिन बच्चों ने 10th में स्टैंडर्ड मैथ्स लिया था वो बच्चे भी अप्लाइड मैथ्स चूज कर सकते हैं, उसके लिए सीबीएसई ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी है. लेकिन वो ऑप्शन अभी भी वैलिड है 10th क्लास में बेसिक मैथ्स ऑफ करने वाले स्टूडेंट अभी भी 11th 12th में कोर मैथ्स नहीं ले सकते हैं. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, इसके ऊपर कॉमेंट करें, को सजेशन दें, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन का फायदा उठा पाएं एंड आप हमारे चैनल अमेजोन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी मिलती रहे. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.